गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हैप्पी जन्माष्टमी ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सीड। एक बीज के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में समझेंगे। टेक सीड ऑफ अ बीन, एक सेम का बीज लीजिए। इट इज हार्ड एंड ड्राई, यह कैसा होगा, कठोर और सूखा होगा। एंड कैन नॉट बी ब्रोकन ईजिली, और आसानी से नहीं टूटेगा। अब क्या करना है, सोक द सीड इन वाटर एंड लीव इट ओवरनाइट। जो हमने सेम का बीज लिया है उसे क्या करना है, पानी में भिगोना है और रात भर के लिए उसे छोड़ देना है उसी पानी में। टेक द सोक्ड सीड एंड लुक एट इट, अब आपने जो रात भर जो बीज भिगाया था उसे लेना है और उसे देखना है। द थिक आउटर कवरिंग ऑफ सीड इज कॉल्ड द सीड कोट, अब आप देखेंगे कि उसमें एक मोटी परत चढ़ गई होगी बीज पर, जिसे क्या कहते हैं, सीड कोट। सीड कोट मीन्स होता है बीज आवरण। इट प्रोटेक्ट्स द सीड, यह क्या करता है, बीज की सुरक्षा करता है। वन ऑन वन साइड ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द सीड इज द स्कार, फिर आप देखेंगे कि जो एक्सटीरियर बाहरी भाग है बीज का उस पर क्या है, दाग है। इट इज वेयर द सीड वाज अटैच्ड टू इट्स पॉड, यह कहाँ होता है, जहाँ से जिस कली से वो बीज अटैच्ड होता है, जुड़ा होता है। द स्कार प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द प्लांट एज इट अलाउ एयर एंड वाटर, यह क्या करता है, संयंत्र पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये क्या करता है, अनुमति देता है किसको, हवा और पानी को। इन एंड आउट ऑफ द सीड, बाहर के अंदर और बाहर, सॉरी, बीज के अंदर और बीज के बाहर। ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण के दौरान। अब लिखा है रिमूव द सीड कोट केयरफुली, अब आप सावधानी से बीज आवरण को हटाइए। द सीड हैज टू सीड्स लीव्स ऑल्सो कॉल्ड कॉटलीडन, बीज, एक बीज क्या रखता है, टू सीड, दो बीज पत्र रखता है, जिसे क्या कहते हैं, कॉटलीडन। कॉटलीडन मीन्स होता है बीज पत्र। द कॉटलीडन्स प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, जो बीज पत्र होता है वो एक छोटे पौधे की सुरक्षा करता है। स्टोर फूड, भोजन को एकत्रित करता है। एंड प्रोवाइड्स नरिशमेंट, और पोषण तत्व प्रदान करता है। टू द सीड, बीज को, टिल इट टर्न इंटू अ बेबी प्लांट, जब तक वह एक छोटे पौधे में ना बदल जाए। सम प्लांट्स हैव वन कॉटलीडन, कुछ पौधे एक ही बीज पत्र रखते हैं। व्हाइल सम हैव टू, जबकि कुछ पौधे दो बीज पत्र रखते हैं। बिटवीन टू कॉटलीडन इज द बेबी प्लांट कॉल्ड द एम्ब्रॉय, दो बीज पत्रों के बीच में जो एक छोटे पौधे का भाग होता है उसे हम भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रॉय मीन्स होता है भ्रूण। द एम्ब्रॉय इनसाइड द सीड ग्रो इनटू अ यंग प्लांट, जो भ्रूण होता है वो बीज के अंदर होता है, जो किस में बढ़ता है, एक बड़े पौधे के रूप में बढ़ता है। द बेबी शूट डेवलप्स फ्रॉम द प्लम्बल, सॉरी, प्लम्यूल ऑफ द एम्ब्रॉय एंड द बेबी रूट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल, जो पौधे, छोटे पौधे का ऊपरी भाग होता है वो भ्रूण के प्रांकुर से बढ़ता है, और जो बेबी रूट होती है, छोटी जड़ होती है, वो कहाँ से बढ़ती है, रेडिकल। रेडिकल मीन्स होता है मूलांकुर। लुक एट दिस पिक्चर, देखिए ये है कॉटलीडन, ये बीज पत्र होते हैं। एक बीज को हम लोग खोलते हैं जब, तो एक ए पार्ट हो जाएगा, एक ए पार्ट हो जाएगा, ये बोलते हैं बीज पत्र। ये एम्ब्रॉय, एम्ब्रॉय मीन्स होता है भ्रूण, इसके बीच में एक जो ग्रीन ग्रीन सा पार्ट होता है ये भ्रूण होता है, इसी से एक यंग प्लांट जन्म लेता है। ये जो नीचे का भाग है ग्रीन का, इसे बोलते हैं रेडिकल, रेडिकल मीन्स होता है मूलांकुर। और ये है प्लम्यूल, प्लम्यूल मीन्स होता है प्रांकुर, इसी जो भ्रूण से ये क्या निकला है, पार्ट्स निकलने लगे उसके। एंड ये स्कॉर मीन्स होता है ये दाग या धब्बा। सीड कोट ये बीज आवरण है,
मतलब ये ढका होता है बीज, इसे बोलते हैं बीज आवरण। थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सभी को लेसन समझ में आ गया होगा।